ये देखिए, नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में टिंडे की सब्जी, टिंडा दो प्याजा, ड्राई सब्जी है, सूखी मैं बनाने जा रही हूँ। तो तेल डाला, हींग और जीरा डाला, और इसमें मैं प्याज डालूँगी, प्याज डालूँगी, और उसी के साथ, मतलब मैंने दो छोटे प्याज थे तो उसको काट के डाला, और इसी में हरी मिर्च, ये हरी मिर्च है एक बड़ी, वो काट के डाल दी है, और ये टिंडे, और एक साथ इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और इसमें हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार बस। और मैं हरे मिर्चे का ही प्रयोग करती हूँ, क्योंकि मुझे, मैं लाल मिर्च कम यूज़ करती हूँ। अगर आपका मन हो तो आप लाल मिर्च को यूज़ कर सकती हैं, आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकती हैं, और बस इसी तरह ढक के इसको पकाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत ही लाजवाब टिंडा दो प्याजा बनती है, सिंपल एंड टेस्टी। कैसे बनेगी तो आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। अब इसको ढक देंगे, जब ये गल जाएगी तब इसमें क्या करना है, ये देखो। पहले मैंने लंबे वाले प्याज और हरी मिर्च और जीरा हींग से छौंका था, अब थोड़ा सा ये गल गया है, तो थोड़े से एक छोटा प्याज का पेटल्स मैंने काटा, इसको भी इसमें डाल देंगे। इसमें प्याज ज़्यादा पड़ता है, और तभी इसका नाम टिंडा दो प्याजा है, और बहुत ज़्यादा मसाले वसाले नहीं पड़ते हैं, और बस इसको हल्दी नमक डाल के इसको पकने देंगे। जब गल जाएगा तब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और एक मसाला पड़ेगा, वो ये मसाला मैं दिखा रही हूँ, मैंने बनाया है। इसमें मेथी, जीरा, सौंफ और धनिया और मंगरेल, पांच मसाले को हल्का सा, मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया, मंगरेल, इन पांचों को ड्राई रोस्ट करके पीस के बना लिया है, ये मसाले तैयार हो गए। इसको लास्ट में डालेंगे जब फिनिशिंग करनी होगी, उससे इसका टेस्ट एकदम बदल जाता है, बहुत ही टेस्टी लाजवाब। और ऊपर से हल्का सा खटाई, वो नहीं डालेंगे, टमाटर वगैरह नहीं डलेगा इसमें। ये देखिए, अब ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट गल गई है, तब इसमें ये अदरक लहसुन का एक छोटा चम्मच मैं पेस्ट डाल रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। देखिए एकदम गल गई है सब्ज़ी, और इसमें ये जो मैंने मसाला आपको बताया था, पांच मसालों का जो मिश्रण है भरवा मसाले का, इसको ऊपर से बस थोड़ा सा डाल देंगे, और थोड़ी सी खटाई आधा चम्मच, बस ये सब्ज़ी बन के तैयार, बहुत ही बढ़िया लाजवाब सब्ज़ी। एक बार आप बना के देखिए, बार बार बनाना चाहेंगे, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ये देखिए, मेरी टिंडा दो प्याज़ा बन के तैयार हो गए, ऊपर से हरा धनिया के साथ मैंने सर्व किया। आप भी इस तरह से एक बार बनाएं और खाएं और खिलाएं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा तो ज़रूर कीजिए, और एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, ये मेरा दावा है। बहुत ही टेस्टी सूखी सब्जी टिंडा दो प्याजा की, और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स, बहुत मसाले नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो नमस्कार, और आप एक बार ट्राई करिए।